हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम वंस अगेन SDSBM ऑनलाइन क्लास बैठा स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास बैठा क्लास 7 के लिए आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, और इस चैप्टर में हम लोग पौधों में पोषण के विषय में अध्ययन करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो बच्चों, कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वो पौधे हों चाहे वो अन्य जीव जंतु हों, उनको सभी जीवों को रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रिशन इन प्लांट दैट वी हैव गेट डिस्कस अबाउट व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चों पोषण। स्टूडेंट, पोषण, पोषण क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द फूड। ऐसी प्रक्रिया जिसके तरह कोई भी जीवधारी अगर भोजन को यूटिलाइज करता है अपने शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो ऊर्जा किस रूप में कार्य करती है? हमारे शरीर को बढ़ाने में और बॉडी को डेवलप करने में ये कार्य करती है। तो उस प्रकार के प्रक्रिया को हम लोग पोषण करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। तो यहाँ पर दिया है द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो सभी जीवधारियों में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें ये प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, थोड़ा सा ये बात देखो। दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक कहलाता है, और दूसरा हेटरोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। स्टूडेंट, क्लास 7 के स्टूडेंट वीडियो को रोक रोक करके पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे फेयर कॉपी में और याद भी करेंगे। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब नरिशमेंट। तो जो अपना पोषण स्वयं करे उसको ऑटोट्रॉपिक्स बोलते हैं, उसको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। स्टूडेंट, ऑटोट्रॉपिक को हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर कौन हो गए? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। द ऑर्गेनिज्म हु कैपेबल टू मेक देयर फूड इटसेल्फ विद हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के हेल्प से जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स के विषय में प्रोड्यूसर हो गए, तो इसके बारे में अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फोटोसिंथेसिस का वीडियो जब भेजूंगा तो उसके बारे में मैं इसको बताऊंगा। दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरो मीन्स अदर, ट्रॉपिक मीन्स टू नरिश। न्यूट्रिशन जो दूसरे के ऊपर रह करके अपना पोषण करते हैं उसको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऐसे में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड डिपेंड ऑन अदर, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के अपना भोजन करते हैं, लेते हैं, ऐसे में हम उनको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब बात स्टूडेंट, एनिमल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, और ये कंज्यूमर भी कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।